हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप एडसेंस के ऐड अपनी वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं। देखो, अगर आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट है और आपको ऐड लगाना नहीं आता तो आज की वाली वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। देखो, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल चुका है तो आप अपनी वेबसाइट में ऐड लगा सकते हैं ब्लॉगर की वेबसाइट में। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में हेडर में, फुटर में, साइड बार में, पोस्ट में एड्स कैसे लगा सकते हैं। देखो, आपको एड्स को जनरेट करना होता है एडसेंस पे, तो कैसे आपको जनरेट करना है सभी कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा एडसेंस के ऐड आप अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, हम लैपटॉप स्क्रीन पर समझते हैं तो कैसे आप अपने ऐड लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने हेडर में जो ऐड लगा रखा है वो कैसे लगाया है, तो यही सब मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। हेडर में, साइड बार में, फुटर में कैसे ऐड लगाते हैं, तो सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखो, पोस्ट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पोस्ट में ऐड कैसे लगा रखा है मैंने। मैं कोई भी पोस्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट वाली जो पोस्ट है हमारी, एक ये ओपन कर लेता हूँ शॉर्टकट कीज वाली, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एड्स लगे हुए हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडसेंस के ऐड यहाँ पे लगे हुए हैं। पोस्ट के बीच में आप एड्स को कैसे लगा सकते हैं वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ, एड्स कैसे आपको लगाना है। सबसे पहले आपको एडसेंस पे आ जाना है। देखो, एडसेंस पे अगर आपको अप्रूवल मिला होगा तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का जो यहाँ पे एड्स का ऑप्शन है तो ये ऑन होगा। तो अगर आपको अप्रूवल मिला है तो यहाँ पे ये ऑन होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बाय यूनिट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको आना है। तो इस पर आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे एड्स मिल जाएंगे। देखो, इनको आपको क्रिएट करना पड़ता है, कैसे क्रिएट करना है वही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको डिस्प्ले एड्स यहाँ पे मिल जाते हैं, इन फीड एड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इन आर्टिकल एड्स आपको मिल जाते हैं, और मल्टीप्लेक्स ऐड आपको मिल जाते हैं। देखो, अगर आपको आर्टिकल के बीच में ऐड लगाना है तो आप ये वाला ऐड लगा सकते हैं। देखो, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है और जैसे आपका आर्टिकल होता है उसी तरीके से ये डिटेक्ट कर लेता है और उसी तरीके ऐड शो करने लगता है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल के लिए ऐड लगाना चाहते हैं तो आप ये वाला ऐड लगा सकते हैं। आप फीड के लिए ऐड लगाना चाहते हैं तो आप ये वाला लगा सकते हैं। देखो, फीड जो यहाँ पे जो हमारी पोस्ट शो हो रही है तो इनके बीच में यहाँ पे ऐड शो होगा, तो ये होता है फीड ऐड। और मैं आपको बताता हूँ, और डिस्प्ले ऐड जो नॉर्मल ऐड यहाँ पे शो होंगे आपके पास, जो आप हेडर फुटर कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, साइड बार में आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ डिस्प्ले ऐड का। देखो, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग देता है वो डिस्प्ले ऐड ही देता है। देखो, बाकी ऐड इतने काम के नहीं है हमारे, बाकी ऐड बहुत कम अर्निंग आपको देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अर्निंग प्रोवाइड करता है वो डिस्प्ले ऐड करता है, सभी इसी को यूज़ करते हैं। तो डिस्प्ले ऐड को कैसे जनरेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको डिस्प्ले ऐड पर टिक करना है। अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो स्क्वायर में आपके पास स्क्वायर शेप में ऐड शो होंगे, हॉरिजॉन्टल में आपके पास ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐड शो होंगे, वर्टिकल में आपके पास ऐसे वर्टिकल ऐड शो होंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर में लगाने वाले ऐड को, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल ऐड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल ऐड को क्रिएट करने वाले हैं। तो हेडर के लिए आपको जब भी ऐड लगाना होगा तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपने ऐड का नाम डालना है। देखो, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ डेमो ऐड। आप कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पे ऐड साइज में आपको यहाँ पे आप कस्टम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर रिस्पॉन्सिव आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो मोबाइल के लिए और लैपटॉप के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा, तो इस कोड को आपको कॉपी करना है। अब हेडर में आपको ऐड लगाने के लिए आपको अपने ब्लॉगर पे आ जाना है, लेआउट्स में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको हेडर ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, आपके पास अलग ब्लॉगर थीम होगा तो आपके पास अलग जगह पे यहाँ पे ये होगा, तो आप इसको ढूंढ लेना हेडर ऐड को। यहाँ पे हेडर ऐड में आपको आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का, तो एडिट के ऑप्शन पे आपको आना है। देखो, आपके पास यहाँ पे जो ये स्क्रिप्ट है वो पहले शो नहीं हुई होगी, आपके पास यहाँ पे खाली स्क्रिप्ट होगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को डिलीट करना है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड को पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपका हेडर में ऐड शो होने लग जाएगा एक मिनट बाद।
देखो कुछ टाइम लगता है एड्स को लोड होने में, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ी देर में आपका एड शो होने लग जाएगा। अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ आप साइड बार में कैसे ऐड लगा सकते हैं। देखो साइड बार में ऐड लगाने के लिए आपको यहाँ पे वर्टिकल एड्स लगाना पड़ेगा, या फिर आप स्क्वायर शेप के ऐड भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे वर्टिकल ऐड लगाने वाले हैं, तो वर्टिकल ऐड को कैसे क्रिएट करना है, देखो वर्टिकल ऐड को क्रिएट करने का भी सेम प्रोसेस है। अब आप इसको डन पे टिक कर सकते हैं। अब आपको वापस से डिस्प्ले ऐड में आना है, यहाँ पे आपको वर्टिकल ऐड को सिलेक्ट करना है। वर्टिकल ऐड को सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस से कुछ भी नाम यहाँ पे डाल देना है, तो मैं नॉर्मल कुछ भी यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। अब आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, रिस्पॉन्स पे टिक रहने देना है, देन क्रिएट आपको कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी करना है साइड को। यहाँ पे आपको वापस से ब्लॉगर पे आना है, और यहाँ पे आपको साइड बार दिख जाएगी। देखो यहाँ पे जो साइड बार है वो राइट साइड है, यहाँ पे आपकी लेफ्ट साइड भी हो सकती है, वो आपके थीम पे डिपेंड है आपका थीम कैसा है। तो यहाँ पे आपको साइड बार में आना है। देखो अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह की HTML JavaScript वाला ये कोड जनरेट नहीं है, तो आपको कैसे जनरेट करना है, आपको ऐड गैजेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टिक करना है। तो यहाँ पे जब आप ऐड गैजेट के ऑप्शन पे टिक करोगे, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा HTML JavaScript, तो इसको आपको टिक कर देना। तो यहाँ पे आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कंटेंट वाले सेक्शन में आपको उस ऐड को कॉपी कर देना है, देन सेव कर आपको कर देना है। तो जब आप यहाँ पे सेव करोगे, तो यहाँ पे आपके पास ये ऐड आ चुका है। आप इसको फ्रीली मूव भी कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी इसको लगाना चाहें आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस ऐड को लगा सकते हैं साइड बार में। देखो आप यहाँ पे भी ऐड लगा सकते हैं, जो फीचर आपकी पोस्ट होगी, जो फीचर्स पोस्ट होगी, तो उसमें भी आप इसी तरीके से ऐड को लगा सकते हैं। सेम आपको प्रोसेस करना है, यहाँ पे ऐड गैजेट पे टिक करना है, HTML JavaScript यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एड्स को देख लेना, जो भी आपको ऐड क्रिएट करना है, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, या फिर स्क्वायर शेप का आपको करना है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको फुटर के लिए बता देता हूँ, फुटर में आपको ऐड कैसे लगाना है। देखो जो हमारा यहाँ पे फुटर में ऐड शो हो रहा है, तो वो आपको कैसे लगाना है। देखो यहाँ पे शो हो रहा है हमारा ऐड, तो ये आपको कैसे लगाना है। सेम आपको एड्स में आ जाना है, गूगल एड्स में आ जाना है। यहाँ पे हमारे तो यहाँ पे हमने हेडर के लिए जो ऐड कॉपी करा था, देखो जो डेमो ऐड मैंने बनाया था, तो सेम उसी का लिंक आपको ले लेना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल था ये, तो इसी का लिंक हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, देन आपको यहाँ पे अपने ब्लॉगर पे आ जाना है, लेआउट में आपको आ जाना है। तो लास्ट में आपको फुटर सेक्शन दिखेंगी, यहाँ पे आप ऐड गैजेट पे टिक करके यहाँ पे सेम आपको जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे जनरेट करना है, और यहाँ पे कंटेंट में आपको अपने कोड को डाल देना है, देन आप यहाँ पे इस तरीके से एड्स को लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी वेबसाइट की बात, आप वेबसाइट में इस तरीके से ऐड लगा सकते हैं। देखो फुटर में हमारे ये ऐड शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसी तरीके से हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं फुटर में ऐड। अब मैं आपको पोस्ट में ऐड कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो तो पोस्ट में ऐड लगाने के लिए आपको पोस्ट में आना है। अब आपको यहाँ पे पोस्ट अपनी लिख देनी है। देखो आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे पोस्ट होगी, मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। नॉर्मली मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे इन टेक्स्ट के बीच में, देखो मैं यहाँ पे गैपिंग भी कर देता हूँ एक बार, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एक आर्टिकल है, ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल है। अब हमारे को यहाँ पे ऐड लगाना है, तो यहाँ पे आप ऐड कैसे लगाएंगे, देखो आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1 2 3, तो ये जो आपने टाइप करा वो आपको याद रखना है। जैसे मेरे को यहाँ पे भी एक ऐड लगाना है, ठीक है, इसके यहाँ पे भी मेरे को ऐड लगाना है, तो यहाँ पे भी मैं टाइप कर देता हूँ 1 2 3। तो अब आपने जो ये 1 2 3 टाइप करा है, तो वो क्यों करा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी पहले आपको ऐड को जनरेट कर लेना है। देखो आप जिस तरीके का ऐड यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। डिस्प्ले ऐड में आपको आना है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर शेप का ऐड लगाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको जनरेट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना ऐड का नाम डालना है, तो कुछ भी नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, देन रिस्पॉन्स पे टिक करके आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है, तो आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा। अब आपको इस पोस्ट में ऐड कैसे लगाना है, देखो यहाँ पे 1 2 3 जो आपने लिखा था, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको HTML व्यू करना है। तो HTML व्यू जब आप करोगे, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल एफ दबाना है। तो कंट्रोल एफ दबाने के बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे टाइप करके और सिलेक्ट कर देना है। तो जब आप यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे, तो ये 1 2 3 सर्च कर लेगा कहाँ पे आपका 1 2 3 लिखा हुआ है,
तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे वो आपने 1 2 3 लिखा है उसको हटाना है। उसको हटाने के बाद आपको कंट्रोल वी करके उस एड को पेस्ट कर देना है। सेम प्रोसेस वापस से आपको 1 2 3 फाइंड करना है, जो आपने सेकंड वाला 1 2 3 लिखा था, तो उसको आपको वापस से हटाना है यहाँ से, और उसकी जगह आपको ऐड डाल देना है। तो इस तरीके से आप अपने ऐड को यहाँ पे लगा सकते हैं पोस्ट के बीच में। तो अब आपका ऐड यहाँ पे लग चुका है। देखो यहाँ पे अभी शो नहीं करेगा, जब आप इस पोस्ट को पब्लिश करोगे तो आपका शो, तो आपका ऐड यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऐड को पोस्ट के अंदर लगा सकते हैं, इस तरीके से आप अपने आर्टिकल में इस ऐड को लगा सकते हैं। तो कहीं पे भी आपको लगाना हो तो सेम प्रोसेस आपको करना है, कुछ भी नंबर आपको टाइप कर देना है, देन आपको वो नंबर को याद रखना है, देन आपको HTML व्यू करके उस नंबर को सर्च करना है और वहाँ पे उस नंबर को हटा के आपको ऐड को पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आर्टिकल के अंदर एड्स को लगा सकते हैं। तो आप गूगल एडसेंस के ऐड इस तरीके से लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में, आर्टिकल में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना। देखो आज की इस वीडियो को तो हम यहीं पर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे आप वर्डप्रेस पे एड्स को कैसे लगा सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा वर्डप्रेस पे आप सेटअप कैसे कर सकते हैं एड्स का। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।